हमारे साथ हैं जी मौजूद जिया अली। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। शादी के बाद पहली ईद कैसी गुजरी? बहुत जबरदस्त, बहुत एक्साइटेड है। मजा बाद लेजीनेस भी है लेकिन मजा बहुत आया। ये तो ज्यादा खाते हैं तो लेजीनेस तो होती है। हाँ, मैंने तो ज्यादा खाया नहीं लेकिन मैं समझती हूँ सैरें बहुत ज्यादा की हैं। आउटडोर हम लोग बीच पे भी गए। सैर करने वाला मियाँ मिल जाए तो यही होता है भाई। उफ, ही कांट स्टे इनसाइड, है ना? तो सुबह उठते साथ ही हाँ, क्या प्लान है? क्या प्लान है, कहाँ चलना है? आई लव दिस एनर्जी एंड आई एम आउटडोर पर्सन एंड माशाल्लाह ही इज एन आउटडोर पर्सन। एक और बेआता दुल्हन हमारे पास, नताशा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? ठीक ठाक। आपकी भी शादी के बाद पहली बकरा ईद है? ये पहली बकरा ईद है ना? मतलब लाइक छोटी ईद थी पहली, वो पहली ईद तो छोटी ईद थी। हाँ। फिर ये दूसरी ईद है, ये बड़ी ईद है। ये बड़ी? हाँ। तो आपका कैसा रहा? अच्छा, मजे का। घूमते फिरते रहे? घूमते फिरते रहे क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी को जब काम नहीं होता तो आवारागर्दी करते रहते हैं। रिश्तेदारों में चले गए, कभी किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लिया, पहुंच गए। हाँ, जबरदस्ती के मेहमान नहीं होते हैं जो वहाँ पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम। तब हम आपसे मिलने आए, शादी के बाद हम आपसे मिलने, ये होता ही होता है। हमारे साथ शमीन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आप सबको भाई ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आपने अपनी ईद कैसे गुजारी भाई? बकरे ईद पे ये पहला हाफ डे तो कुर्बानी में निकल जाता है। हाँ। उसमें लगे हुए होते हैं घर में सब। उसके बाद शाम में अम्मी के यहाँ सब लोग मिलने आते हैं। हाँ। जो रिश्तेदार हैं, कजन हैं, वो सब। सेकंड डे हम लोग निकलते हैं। ओ। एक कजन के घर गेट टुगेदर होता है, उधर हम सारे बारबेक्यू मोस्टली होता है बकरे ईद में। बारबेक्यू नाउ इट मींस इनकम्प्लीट फॉर मी स्पेशली। तो वो फिर हम अपने कजन के घर करते हैं। एंड थर्ड डे फॉर अ चेंज दिस टाइम वी ऑल वेंट आउट टू ईट ऑल्सो। आई नो एसओपीज के साथ बहुत मतलब कल भी काफी लोग निकले हुए थे क्योंकि कल आखिरी दिन था। आज से रेस्टोरेंट बंद हो गए, अब तो आउटडोर डाइनिंग भी बंद हो गई फिलहाल। ब्रेक चाहिए, आई थिंक हमारी आवाम को ब्रेक चाहिए। जोर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक। खैर मुबारक। आप बताए, आपकी दूसरी ईद है ये? नहीं, ये मेरी पहली पहली बकरा ईद। जी पहली ईद। ये तो यहाँ तीन तो ये पहली ईदों वाले लोग मौजूद है ना यहाँ। Newly married, जी। हाँ ना, वही तो कह रही हूँ। तुम्हारा भी साल तो पूरा नहीं हुआ मेरे ख्याल में। नहीं, फर्स्ट एनिवर्सरी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हो गई है। अच्छा, मेरी नेक्स्ट मंथ में है। अरे नाइस। ये बड़ी स्ट्रेंज फीलिंग है, शादी और फिर ईद। हाँ, इट्स जस्ट बिकम कंप्लीट। डबल डबल मजा, लाइफ अजीब सी कंप्लीट सी लग रही है। लेकिन मैंने कोई शायद पहली ये दो ईदें थी कि मैंने अपने माँ बाप के बगैर गुजारी है, तो मैं इतना अंदर से मतलब मैं बड़ी खुश भी थी कि मैं अपने मियाँ के साथ हूँ और ससुराल में हूँ, ये खुशी अलग थी मेरी। लेकिन अंदर से ना कहीं से मुझे हॉल पड़ रहे थे कि मैं हमेशा अपने माँ बाप के साथ होती हूँ तो मैं अभी नहीं हूँ। हाँ, मैं अभी उनके पास नहीं हूँ। हाँ। और अम्मी मुझे इतना मिस करे, इतना मिस करे, मतलब मेरी माँ का बस नहीं चल रहा था। मेरी अम्मी तो मुझसे इस वाली ईद पे लड़ी है। जी मैं एक ही हूँ ना भाई। तो मेरी अम्मी इस ईद से पहले मुझसे लड़ी है कि तुमने वो वाली ईद अपने ससुराल में की थी, ये यहाँ आके करो लाहौर। वेरी गुड। लाहौर में होती है रहने का। If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.